नमस्कार साथियों, मैं धीरज यादव आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बात करेंगे यहां पे हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम लोग यहां पे कैलेंडर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो जब हम मैंने क्यूब का सेशन कवर अप कराया, यानी कि अगर हम बात करें क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम की, तो जो प्रीवियस सेशन था आपका वो क्यूब पर बेस्ड था। तो वहां पे स्लाइड को भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, और आप लोगों से कमेंट करने के लिए भी कहा, जिसमें से आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। तो उन विद्यार्थियों के मैं यहाँ पे कमेंट्स भी लेने वाला हूँ, साथ ही साथ जिन लोगों ने कमेंट्स नहीं किया या जिनके कमेंट्स मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, वो सभी छात्र इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आसानी से आप जान सकते हैं, या आप अपने जानने वालों को भी इस पर्टिकुलर, अगर हम बात करें, क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कैसे निकालेंगे इसको हम लोग चुटकियों में, इसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वेरियस एग्जाम्स की अगर हम बात करें, तो पूछे गए अलग अलग प्रकार के कैलेंडर के क्वेश्चन, क्योंकि कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कैलेंडर को लेकर के आपके जो अवधारणा है वो काफी सीमित है। यानी कि कैलेंडर का तात्पर्य कहीं ना कहीं आप केवल और केवल गिवन डेट पर डे निकालने से ही समझते हैं, जबकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेरियस टाइप के क्वेश्चन कैलेंडर में, अगर हम बात करें तो अलग अलग एग्जामों में आपको देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं और आपके आगामी परीक्षा में किस प्रकार से इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अभी तक आप लोगों को जो मेरी साइड से देखने को नहीं मिला, यानी कि कोड्स, जो कि मैंने डिटेल में जब कॉन्सेप्ट कवर अप कराया तो मैंने आपको बताया भी कि आप अपने कोड्स खुद से जनरेट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ा और देखा कि कैसे हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर मंथ का, अगर हम बात करें, या अगर हम बात करें किसी सेंचुरी का या किसी पर्टिकुलर ईयर का, हम लोग कोड खुद से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज आपको कोड जनरेट करना भी सिखाएंगे, यानी कि कोड हम लोग पहले जनरेट करेंगे और उसके बाद जो फाइनल हमारा कोड बनेगा वो कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यानी कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी यह सेशन खास हो जाता है जिन्होंने डिटेल कॉन्सेप्ट को कैलेंडर का, अगर हम बात करें जब हम लोग कवर अप कर रहे थे SSC से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, या अगर हम बात करें व्यापम की, तो इस प्रकार के एग्जाम्स के लिए जब हम लोगों ने डिटेल में कैलेंडर के टॉपिक को कवर अप किया, तो वहां पर जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े रहे उन सभी छात्रों के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर हम बात करें साथ ही साथ जो सेशन, जो छात्र इस पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं डिटेल में, अगर आप चाहते हैं कैलेंडर को कवर अप करना, तो एकदम बारीकी से इत्मीनान से आप जाकर के प्लेलिस्ट में जो वीडियोस अवेलेबल है, हालांकि उसका लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप कैलेंडर को काफी डिटेल में समझ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, फिलहाल आपकी जिज्ञासा काफी देर से बनी हुई है, काफी दिनों बाद आपको ये वीडियो मिलने जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे हम निकाल सकते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कमेंट्स यहाँ पे है मेरे पास आप लोगों के, जो आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट किए हुए हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का, तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे, यानी कि अप टू 28th of Feb, और अगर हम बात करें तो आफ्टर 28th of Feb। क्लियर? यानी कि अगर हम बात करें जिनका भी जन्म दिवस क्या होता है 28 फरवरी या उससे पहले आता है, उनके लिए यहाँ पे अलग प्रकार से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो होगा, और जिनका भी क्या होता है जन्म तिथि 28 फरवरी के बाद पढ़ने वाले दिनों में आएगा, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट अलग से काम करेगा। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे तो हम बात कर लेते हैं लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष प्लस वन की, फिर हम बात कर लेते हैं लीप ईयर प्लस टू की, फिर हम बात कर लेते हैं लीप ईयर प्लस थ्री की, और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लीप ईयर की। क्लियर? तो कुछ एक यहाँ पे मैं जन्म तिथियों को उठाऊंगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पे लीप ईयर प्लस वन, लीप ईयर प्लस टू, लीप ईयर प्लस थ्री, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लीप ईयर। क्लियर? चलिए, इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे विभाजित करेंगे। अब अगर मैं बात करूं यहां पे सबसे पहले एक डेट ले लेते हैं, जैसे कि यहां पे आपको एक डेट देखने को मिल रही है, शुभम जी का ये कमेंट है, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है, 14th Feb 1999। क्लियर?
तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कितने बार इन्होंने अपना जन्म दिवस या किस किस सन में ये अपना जन्म दिवस उसी दिन सेलिब्रेट करेंगे जो कि क्या था दिन, इनकी डेट ऑफ बर्थ वाला दिन था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दिन निकालना हम लोग आगे सीखेंगे। फटाफट से यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट ही यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि दिन कौन सा होने वाला है, कैसे निकालना है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी केवल हम रिपीटिशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 14 फरवरी 1999 की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बात करें तो फरवरी के कोड की, तो फरवरी का कोड यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, 14 तारीख जो है वो पूरी पूरी क्या हो जाएगी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। 1900 के अगर हम कोड की बात करें तो 1900 का कोड हो जाएगा आपका 1। और अगर हम बात करें यहाँ पे ईयर कितने कंप्लीट हुए हैं तो 98 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, यानी कि 98 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसको आगे मैं डिटेल में कवर अप करूंगा, यहाँ पे केवल मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि कैसे दिन निकाला जा सकता ताकि उन छात्रों को जो ऑलरेडी इस तरीके को जानते हैं उनको भी यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाए। बाकी आप सभी के लिए आगे मैं यहाँ पे तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग इत्मीनान से निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें इनमें पढ़ने वाले लीप ईयर्स की, तो लीप ईयर इनमें पढ़ेंगे 24। 98 कम्प्लीटली हो गया है आपका डिविजिबल, 24 की बात करें तो यहाँ पे बचेगा 3, यानी कि 3 3 6 1 7। 7 का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, संडे। यानी कि अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म दिवस है इस पर्टिकुलर अगर हम डे की बात करें तो दिन कौन सा था, संडे। अब दोबारा से इन्होंने अपना जन्मदिन संडे को कब मनाया होगा, तो मैंने कहा ईयर को पहचानिए, यानी कि ईयर की बात करें 1999, तो 1999 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ आएगा, तो लीप ईयर आपका पड़ा होगा 96, लीप ईयर के बाद 97 98 99, यानी कि लीप ईयर क्या है, +3 है। लीप ईयर +3 की अगर हम बात करें, लीप ईयर +3 की अगर हम बात करें तो ये कितने सालों बाद रिपीट करेगा, 11 सालों बाद। लीप ईयर की बात करें तो 6 सालों बाद, लीप ईयर +2 6 सालों बाद। और अगर हम बात करें यहाँ पे लीप ईयर की तो ये 5 सालों बाद क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं, यानी कि अगर हम बात करें 1999 में इनका जो जन्म है वो रविवार को हुआ, तो अगली बार ये अपना जन्मदिन रविवार को कब मनाएंगे, तो 99 प्लस क्या कर देना अपने को, 11 कर देना, यानी कि 2010। क्लियर, 2010 में फिर से ये क्या करेंगे अपना जन्मदिन, 1999 के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2010 में ये क्या करेंगे, फिर से अपना जन्मदिन संडे को सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर, इसके बाद अगर मैं बात करूं 2010 की, तो 2008 आपका क्या था, 2008 आपका लीप ईयर था, और 2008 के बाद बात करें तो 2009 और 2010, यानी कि 2010 को हम क्या बोल सकते हैं, लीप ईयर +2 बोल सकते हैं। और लीप ईयर +2 की अगर हम बात करें तो लीप ईयर +2 आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने साल बाद रिपीट करता है, 6 सालों बाद रिपीट करता है, यानी कि अगेन 2016 में ये क्या करेंगे अपना जन्मदिवस फिर से संडे को मनाएंगे। और 2016 क्या है आपका, एक लीप ईयर है, 2016 क्या आपका एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष आप देख रहे हैं कब रिपीट करेगा, 5 सालों बाद, यानी कि अगेन अगर हम बात करें तो 2021 में इन्होंने अपना जन्मदिवस दोबारा से क्या मनाया होगा, सेम डे को, यानी कि संडे को मनाया होगा। तो अगर आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं तो जरूर से कमेंट करके बताएं, आप इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि इन सभी अगर हम बात करें ईयर्स में अगर इस डेट को आप देखेंगे तो आपको सेम डे नजर आएगा। अब 21 की अगर हम बात करें तो 21 को हम लीप ईयर +1 कंसीडर कर सकते हैं, तो 21 वाला कहां रिपीट करेगा, 2027 में, यानी कि 2027 में आप अगेन जा रहे हैं संडे के दिन अपना जन्मदिवस सेलिब्रेट करने। क्लियर, तो जिन भी यहाँ पे मैं बात करूं विद्यार्थियों के कमेंट्स में 28 फरवरी के पहले की जो डेट है या 28 फरवरी तक की जो डेट है उनका जो रिपीटिशन ऑफ ईयर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि अगर आपका लीप वर्ष में पड़ रहा है तो उसको आपको क्या करना है, लीप वर्ष में +5 ऐड करना है, लीप ईयर +1 में जा रहा है तो +6 ऐड करना है, लीप ईयर +2 में जा रहा है तो +6, और लीप ईयर +3 में जा रहा है तो +11 करना है। इस प्रकार से आप अपने किसी भी चाहने वाले का, किसी भी जानने वाले का, अगर आप चाहते हैं कि हम ये जान पाए कि कितनी बार उस शख्स ने क्या किया अपना जन्मदिवस उसी दिन सेलिब्रेट किया है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे ऐड करके निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका जन्मदिवस जो है वो 28 फरवरी या उससे पहले होना चाहिए, उसके लिए ये कंडीशन है। क्लियर, अब जान लेते हैं कि जिनका जन्मदिवस 28 फरवरी या 28 फरवरी के बाद पढ़ने वाले दिनों में पड़ता है उनका जन्मदिवस कितने वर्षों बाद क्या होगा उसी दिन आएगा। तो लीप ईयर +1 की अगर हम बात करें तो लीप ईयर +1 यहाँ पे आपका रिपीट करेगा 6 साल बाद, लीप ईयर +2 की अगर हम बात करें तो कब रिपीट करेगा, 11 साल बाद, लीप ईयर +3 की अगर हम बात करें तो कब रिपीट करेगा, 5 सालों के बाद, और लीप ईयर की अगर हम बात करें तो कब रिपीट करेगा, 6 सालों के बाद। ठीक है, तो ये वाली भी कोई एक डेट हम यहाँ पे उठा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कमेंट देखने को मिल रहा है, एक ममता यादव जी का कमेंट है,
इनकी अगर हम बात करें तो 14 मई को क्या है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 18 दिसंबर से रिलेटेड भी हमें मिल रहा है देखने को। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 31 दिसंबर का भी हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई भी एक हम पिक कर लेते हैं इसमें से। जैसे अगर हम बात करें 14 मई 2002, तो सबसे पहले देख लेते हैं 14 मई 2002 को दिन कौन सा था। 14 मई 2002 की अगर हम बात करें तो 14 मई 2002 को आपको जो दिन आएगा, मई का कोड अगर हम बात करें तो मई का कोड आपका आ जाएगा एक, मई का कोड आ जाएगा आपका एक। और यहाँ पे अगर हम बात करें ईयर सेंचुरी कितनी कंप्लीट हुई है, तो 2000 कंप्लीट हुई है, 2000 का रिमाइंडर जीरो। ईयर कितने कंप्लीट हुए हैं, तो एक कंप्लीट हुए हैं। और डे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे लीप ईयर एक भी नहीं आया है। यानी कि दिन की अगर हम बात करें तो दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार यानी कि ट्यूजडे। अब अगर यहाँ पे हम ईयर की बात करें तो लीप ईयर प्लस टू हमें देखने को मिल रहा है, लीप ईयर प्लस टू, यानी कि लीप ईयर प्लस टू का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 सालों के बाद रिपीट करेगा। तो 2002 में अगर इन्होंने इनका जो जन्म दिवस है वो अगर मंगलवार को है, तो दोबारा से अगर हम बात करें तो 2013 में इनका जो जन्म दिवस है वो दोबारा मंगलवार को पड़ने जा रहा है। यानी कि मंगलवार को ये अपना क्या करी होंगी, 2013 में इन्होंने अपना जन्म दिवस मनाया होगा। अब अगर हम 2013 की बात करें तो 2013 आपका यहाँ पे लीप ईयर प्लस वन के रूप में देखने को मिल रहा है। लीप ईयर प्लस वन की बात करें हम तो 6 सालों बाद रिपीट करेगा, यानी कि 13 और 6 की अगर हम बात करें तो 2019 में इन्होंने दोबारा से क्या किया होगा, अपना जन्म दिवस सेम डे को मनाया होगा। 19 की हम बात करें तो लीप ईयर प्लस थ्री आ रहा है, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो 2024 में ये क्या करेंगे, फिर से अपना जन्म दिवस मंगलवार को मनाएंगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2024 आपका लीप ईयर है, तो इसमें प्लस 6 जोड़ देंगे तो 2030 में भी ये अपना जन्म दिवस क्या करेंगी, मंगलवार को सेलिब्रेट करेंगी। तो इस प्रकार से जिनका भी जन्म दिवस क्या होता है, 28 फरवरी के बाद पड़ने वाले दिनों में देखने को मिलता है, तो इस प्रकार से आप उसमें ऐड करके जान सकते हैं कि कब कब वो क्या करेंगे, अपना जन्म दिवस सेम डे पे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे केवल ये सीखना था, डे निकालना आपको नहीं सीखना था, डे निकालना भी आगे हम लोग देखेंगे। तो इसको आप लोग नोट करके लिख सकते हैं, आप गूगल पे इसको सर्च करके देख सकते हैं, क्लियर। तो इसी प्रकार बाकी लोग भी अपना अपना क्या करेंगे, जन्म दिवस गूगल पे सर्च करके देखेंगे कि कब कब उन्होंने अपना सेम डे पर सेलिब्रेट किया है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रश्न की, तो कहीं ना कहीं रिपीटेशन ऑफ ईयर पर बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन रिपीटेशन ऑफ ईयर का अगर हम बात करें तो वहां पे थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलेगा। रिपीटेशन ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको डेट्स अलग देखने को मिलेंगी, बहुत सारे आपके ईयर्स उसमें क्या हो जाएंगे, स्किप भी हो जाएंगे। तो रिपीटेशन ऑफ ईयर का कॉन्सेप्ट अलग है, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। और जब हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, या इस प्रकार से आपको एनिवर्सरी पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो अलग अलग अगर हम बात करें प्रश्नों की तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको अप्रोच करना है। तो जब एनिवर्सरी वगैरह से रिलेटेड हम बात करेंगे या डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड बात करेंगे तो इस अप्रोच को आप फॉलो करेंगे। और जब हम डायरेक्टली रिपीटेशन ऑफ ईयर की चर्चा करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल हैव सेम कैलेंडर एज 2003, इस प्रकार से जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वहां पे हम रिपीटेशन ऑफ ईयर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हम पूरे के पूरे वर्ष के कैलेंडर की बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हमें क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर डे से मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अब सीधे हम लोग प्रश्नों की, और प्रश्नों की जब हम चर्चा करेंगे तो वहां पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कोड को निकालना, कि कोड कैसे बनेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको मैं कर रहा हूं रिमूव। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए किसी भी बंदे का जन्म दिवस कितनी बार उसी दिन पड़ेगा या कब पड़ेगा अगली बार उसी दिन, तो आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, डेट ध्यान में रखनी है कि 28 फरवरी तक की डेट है या फिर 28 फरवरी के बाद की डेट है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में अभी यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा होगा कि अगर सर किसी का बर्थडे 29 फरवरी को है तो अगर 29 फरवरी को बर्थडे है तो ये सीधे 28 सालों के बाद क्या करेगा, जाकर के रिपीट करेगा जो मैंने रिपीटेशन ऑफ ईयर के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ, यानी कि 28 सालों बाद क्या होगा, वो शख्स अपना जन्म दिवस उसी दिन मनाएगा जिस दिन उसकी क्या थी, डेट ऑफ बर्थ थी, ठीक है, 29 फरवरी को, क्योंकि 29 फरवरी भी पढ़ना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्नों की। तो इससे पहले कि मैं प्रश्नों की चर्चा करूं, तो कोड्स यहाँ पे कैसे बनेंगे, कोड्स को हम लोग यहाँ पे बना करके देख लेते हैं। तो फटाफट से देखिए, कुछ अलग आपको करने की जरूरत नहीं थी, जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा था, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो देखिए कोड बनेगा कैसे, जब हम लोगों ने डिटेल में कॉन्सेप्ट सीखा था तो हम लोगों ने देखा जनवरी में कितने यहाँ पे डेज होते हैं 31, जब इसको हमने 7 से डिवाइड किया तो ऑड डेज मिले हमें कितने, 3। तो जनवरी का हम लोग यहाँ पे लिख लेते थे 3, फरवरी की अगर हम बात करें तो 28 दिन यानी कि 0, पहले हम ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं। मार्च की अगर हम बात करें तो दिन यहाँ पे बचेंगे कितने, 3। अप्रैल की अगर हम बात करें तो 2, मई की बात करें तो 3, जून की बात करें तो 2, जुलाई की 3, अगस्त में 3, सेप्टेम्बर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। अब देखो यहाँ पे कोड हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी के डायरेक्टली हम डेज की बात करेंगे, यहाँ पे कोड हो जाएगा इसका 0। फरवरी की हम बात करें तो फरवरी में यानी कि जनवरी वाले को भी हम ऐड कर देंगे तो फरवरी वाले में हमें मिल जाएगा यहाँ पे कोड कितना, 3, प्लस फरवरी के नंबर ऑफ डेज की हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार मार्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कोड मिलेगा हमें 3, अप्रैल की हम बात करें तो कोड मिलेगा 6, मई की हम बात करें तो कोड मिलेगा 1, जून की हम बात करें तो कोड मिलेगा 4, जुलाई की हम बात करें तो कोड मिलेगा हमें 6, अगस्त की हम बात करें तो कोड मिलेगा हमें 2, सितंबर की हम बात करें तो यहाँ पे कोड मिल जाएगा हमको 5, अक्टूबर की हम बात करें तो यहाँ पे कोड मिल जाएगा हमको 0, नवंबर की अगर हम बात करें तो कोड मिल जाएगा हमको कितना, 2, और दिसंबर की हम बात करें तो यहाँ पे कोड मिल जाएगा अपने को 5। चलिए क्लियर, तो ये हो गया आपका कोड। तीन यहां पे आ गया आपका, 3, 2, 5, 5 और 2, 7 यानी कि 0 यहां पे आ जाएगा आपका 3, ठीक है। चलिए अब यहां से एक और चीज समझ लीजिए, ये जो कोड है किसका है, ऑर्डिनरी ईयर का कोड है, साइलेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका ऑर्डिनरी ईयर का कोड है, लीप ईयर में आपको क्या करना है, केवल और केवल फरवरी के बाद वाले जो आपके मंथ है उसमें आपको प्लस 1 कर देना है, ठीक है। अब इस कोड का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे और इस कोड से हम क्या सीख सकते हैं, तो जब आपको रिपीटिशन ऑफ मंथ्स पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स हैव सेम कैलेंडर, तो यहाँ पे जिन भी मंथ्स का कोड सेम है उनका कैलेंडर भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे जनवरी का कोड 0, अक्टूबर का कोड 0, यानी कि इनका कैलेंडर भी क्या होगा, सेम होगा। फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3 और नवंबर का कोड 3, यानी कि इन तीनों मंथ्स का कैलेंडर भी क्या होगा, सेम होगा। अप्रैल का कोड अगर हम बात करें तो 6 है और जुलाई का कोड भी 6 है, तो यहाँ पे यानी कि इनके महीनों का कैलेंडर भी क्या होगा, समान होगा। तो ये भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, यानी कि रिपीटिशन ऑफ मंथ्स पर बेस्ड क्वेश्चन को भी आप इन कोड्स की सहायता से आसानी से आंसर कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए है, लीप ईयर के लिए मैंने आपको बताया क्या कर देना, आपको केवल और केवल प्लस 1 करना है। लीप ईयर के लिए क्या करना है, केवल और केवल प्लस 1 करना है फरवरी के बाद वाले महीनों के कोड के लिए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम सीधे प्रश्न के ऊपर। प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको किसी भी गिवन डेट पे डे कैसे निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सीख लीजिए कि सेंचुरी कितनी कंप्लीट हुई है। तो अगर यहाँ पे 100 सालों के हम कोड की बात करें तो 100 सालों का कोड आप 5 ले सकते हैं, 200 सालों के कोड की अगर हम बात करें तो 200 सालों का कोड आप 3 ले सकते हैं, 300 सालों की अगर हम बात करें तो 300 सालों का कोड आपका 1 हो जाएगा, और 400 वर्षों का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर हर 400 वर्ष के बाद क्या कर जाता है, रिपीट कर जाता है। इसको मैंने ये भी बताया था कि 146,097 दिनों के बाद कैलेंडर क्या कर जाता है, रिपीट कर जाता है। तो इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये जान लीजिए कि हम लोग गिवन डेट पे डे कैसे निकालने वाले हैं। तो ये हो गया आपका सेंचुरी के लिए कोड, ये हो गया आपका मंथ के लिए कोड। अब जितने ईयर कंप्लीट हुए हैं सेंचुरी के बाद, जितने ईयर कंप्लीट हुए हैं उन ईयर्स को लेना है और उतने सालों में कितने बार आपके लीप ईयर आएंगे इसको आपको लिख लेना है। अब जैसे हम बात करें वर्ष 2012 की, वर्ष 2012 की अगर हम बात करें तो 22 फरवरी का हमें निकालना है दिन। तो सबसे पहले यहाँ पे बताओ सेंचुरी कितनी कंप्लीट हुई है, तो आप कहेंगे 20 सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि वर्ष 2000 की अगर हम बात करें तो 2000 के बाद फिर से आपका कैलेंडर क्या कर जा रहा है, रिपीट कर जा रहा है। जैसे 400 सालों के बाद, 800 सालों के बाद, 1200 सालों के बाद, 1600 सालों के बाद और 2000 सालों के बाद कैलेंडर क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो 2000 सालों के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा, यानी कि 2000 साल का अगर हम कोड की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ईयर कितने कंप्लीट हुए, तो ईयर कंप्लीट हो गए हैं 11। 11 वर्षों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, तो 11 वर्षों में लीप ईयर पड़ेंगे आपके 2।
अब हम आ जाते हैं सीधे से वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 की अगर हम बात करें तो फरवरी का कोड कितना है, 3 है, और फरवरी में यहाँ पे तारीख कितनी दी हुई है, 22। फरवरी में तारीख कितनी दी हुई है, 22। अब इसको या तो आप जोड़ के 7 से डिवाइड करिए या जो डिवाइड होता जा रहा है उसको आप हटाते चलिए। तो 11 प्लस 3 की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 22 की अगर हम बात करें तो बचेगा 1, और 2 और 1 को मिलाओगे तो 3। 3 का मतलब यहाँ पे अगर हम दिन की बात करें तो दिन कौन सा हो जाएगा, वेंसडे, यानी कि बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी। तो टेंशन नहीं लेना है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि ये बिल्कुल आपको तरीका आपके दिमाग में छप जाने वाला है, क्लियर। चलिए अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं, आप भी मेरे साथ साथ प्रश्नों को बनाते हुए चलेंगे। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो यहां पे आपको दिया है 17 अगस्त 1947। तो 1900 के अगर मैं यहां पे कोड की बात करूं चलिए 1900 के अगर मैं यहाँ पे कोड की बात करूं तो 1900 का यहाँ पे कोड मिल जाएगा हमको 1, यानी कि 1900 सेंचुरी हो गई कंप्लीट, क्लियर। इसके बाद ईयर कितने कंप्लीट हुए, तो ईयर यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए कितने, 46, और 46 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 11 चौको 44, यानी कि यहाँ पे 11 आपके क्या आ जाएंगे, लीप ईयर आ जाएंगे। अब हम सीधे से आ जाते हैं ईयर 47 में, और हमें निकालना है अगस्त। तो अगस्त के लिए अगर हम कोड की बात करें तो अगस्त का कोड कितना है, 2, और तारीख की हम बात करें तो तारीख दी गई है 17, क्लियर। इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं 11, 2, 13 और 1, 14 कैंसिल। 46 की अगर हम बात करें तो 42 जाएगा आपका कितने बार में, 6 बार में, यानी कि बचेगा यहाँ पे आपका 4, और 17 की अगर हम बात करें तो 17 में आपका 14 कट जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 3। तो 4 और 3 की बात करें तो 7, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 7 से, यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संडे, क्लियर। चलिए, तो मैंने कहा कैलेंडर का मतलब केवल गिवन डेट पर डे निकालने से ही नहीं, इसके अलावा भी आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों की भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे, आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको निकालना है 28 फरवरी 2006। 28 फरवरी 2006 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सेंचुरी कितनी कंप्लीट हुई है, 2000 का रिमाइंडर हो जाएगा 0। ईयर कितने कंप्लीट हुए हैं, 5। इसमें लीप ईयर कितना पड़ेगा, तो 1। फरवरी के कोड की हम बात करें तो कितना आ गया था, अच्छा मई दिया है, तो मई के कोड की हम बात करें तो कितना है, 1। और डेट की हम बात करें तो दिया है कितना, 28, यानी कि कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, 5 + 2 = 7, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलिए, तो बिल्कुल आज आपके दिमाग में ये तरीका छप जाने वाला है, विद इन सेकंड आप इसको माइंड में ही आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके ओरली आंसर निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेन। जरूरत है तो थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला इफ टुडे इज ट्यूजडे आफ्टर 63 डेज इट विल बी, अगर आज मंगलवार है तो 63 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो 63 दिनों की अगर हम बात करें तो 63 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपका 0, यानी कि 63 कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा, और यहाँ पे दिन बचेगा 0, यानी कि सेम डे आपको देखने को मिलेगा आफ्टर 63 डेज। इसके डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए आप प्लेलिस्ट में दिए गए लिंक पर जाकर के कैलेंडर का सेशन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है 63 डेज का मतलब क्या होता है, 64वां दिन, यानी कि हम 64th डे की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे 64th डे को अगर हम 64 को डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सप्ताह का एक दिन जो वीक की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यानी कि वीक की साइकिल अगर ट्यूजडे से शुरू हो रही है तो खत्म कहाँ पे होगी, वो मंडे पे खत्म होगी, और एक दिन जो कंप्लीट नहीं कर पाएगा वो दिन अगेन आपको ट्यूजडे देखने को मिलेगा। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा, आप 63 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपको बच रहा है 0, यानी कि सेम डे आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैंने डिटेल में चर्चा की हुई है, ठीक है। तो दोनों को आप अगर समझेंगे तो इस प्रकार या अलग तरीके से पूछेगा किसी भी प्रश्न में आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन या दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बात करेंगे यहां पे हम लोग अगले प्रश्न की। चलिए, अगले दिन प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे बोला है इफ 31 अगस्त, यानी कि रेफरेंस में जब आपको क्या दिया गया हो, दिन दिया गया हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 31 अगस्त 2008 को यदि संडे है तो यहाँ पे आपसे पूछा है 30 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा।
तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना होता है आपको, एक बार तो आप यहाँ पे एक्चुअल डे निकाल करके चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है इफ, तो अगर ये दिन सच में है तो, या फिर जरूरी नहीं कि सच में यही दिन हो, तो एक बार हम लोग इसको निकाल करके देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सेंचुरी कितनी कंप्लीट हुई है 20, यानी कि 2000 का रिमाइंडर हो जाएगा 0। ईयर कितने कंप्लीट हुए हैं 7, यानी कि 7 वर्षों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, तो पड़ेगा 1। अब हम बात करेंगे वर्ष 2008 की, 2008 में अगर हम अगस्त के कोड की बात करें तो वर्ष 2008 क्या है आपका, लीप ईयर है, और लीप ईयर मैंने कहा कि फरवरी के बाद वाले महीनों का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो अगस्त का कोड यहाँ पे 2 था, तो लीप ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि अगस्त का कोड हो गया 3। और अगर अगस्त के दिन की अगर हम बात करें कितने दिए हैं 31, यानी 31 को 7 से काटोगे तो बच जाएगा कितना, 3। तो इस प्रकार 7 आपका हो गया कैंसिल, 3, 3, 6, 7 हो गया आपका कैंसिल, यानी कि दिन की हम बात करें तो दिन हमें एक्चुअल में क्या देखने को मिलेगा, संडे देखने को मिलेगा। क्लियर, दिन हमें संडे देखने को मिलेगा, तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, 12 अगस्त 2030 में कौन सा दिन पड़ेगा ये निकाल लेना है। तो 2000 का रिमाइंडर हो गया 0, ईयर कंप्लीट कितने हुए 11, इसमें लीप ईयर कितने पड़ेंगे 2, अगस्त के हम कोड की बात करें तो कितना हो जाएगा 3, और 30 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 2। तो इस प्रकार अगर हम बात करें 11 और 3 हो गए 14, बचा कितना 4, 4 की अगर हम बात करें तो दिन हो जाएगा थर्सडे, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो रिफरेंस में डेट अगर दी गई हो तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा दिन संडे के बजाय निकल करके क्या आ जाता, सैटरडे आ जाता। मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है संडे, लेकिन दिन हमारा निकल करके आ जाता सैटरडे, तो हमें क्या करना होता, यहाँ पे भी जो हमें एक्चुअल दिन मिलता हमें उससे एक बढ़ा देना होता, क्योंकि दिन हमें देखने को मिला सैटरडे, यहाँ पे दिया है संडे, तो यहाँ पे भी जो दिन हमारा एक्चुअल निकल करके आता उसमें हमें एक जोड़ने की आवश्यकता होती। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए रिफरेंस डे वाले कुछ और प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो अगेन यहाँ पे आपको रिफरेंस में डेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है ऑन 21st of January 2013 वॉज वेंसडे, देन वॉट डे ऑफ द वीक Was it on 2nd January 2014? यानी कि इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और जो तरीका मैंने बताया उससे भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। वर्ष के किसी डेट से अगले वर्ष की ओर अगर हम मूव ऑन कर रहे होते हैं, तो अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो +1 हो जाएगा, लीप ईयर है तो +2 हो जाएगा। और यह भी बताया है कि यहाँ पे एक्सेप्शनल केस भी आपको देखने को मिलते हैं कि 28 फरवरी बीत चुकी है या फिर नहीं बीती है, इसके ऊपर भी ये बातें निर्भर करेंगी। तो डिटेल में इसके ऊपर मैंने चर्चा ऑलरेडी करी हुई है, इसी कारण आप क्या करते हैं, गलतियां भी करते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसी तरीके को अपनाएंगे जो अभी हम लोग यहाँ पे फॉलो करते आ रहे हैं, जिससे आपके गलतियां होने के चांसेस कम हो जाए। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए मैं दोनों ही तरीके को डिस्कस कर रहा हूं। तो 1 जनवरी 2013 को अगर बुधवार था तो 2014 की 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। और यहाँ पे तारीख आपको दिया गया है 2 जनवरी, यानी कि अगर हम बात करें तो आंसर की तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। इसको आप आसानी से ऐसे बना सकते थे। ठीक है, ये हो गया एक तरीका, आसान तरीका, क्योंकि डेट को देख करके हमने समझ लिया कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें कैसे फॉलो करना है। और ये तरीका आपको कैसे समझ में आएगा, ये अप्रोच कैसे आप जानेंगे, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा तरीका जो हम फॉलो करते आ रहे थे, ईयर सेंचुरी 2000 कोड 0, ईयर कितने कंप्लीट हुए 12, इसमें लीप ईयर कितने पड़ेंगे 3। फिर अगर हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी की केवल और केवल एक दिन की ही बात करी जा रही, जनवरी का कोई अपना एक कोड नहीं, यहाँ पे 0 ही हम कंसीडर करके चलेंगे। तो जनवरी के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना, 1। इस प्रकार अगर हम बात करें तो जो हमें दिन देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 12, 3, 15 और 1 16। 16 की अगर हम बात करें, यानी कि ईयर हो गए थे यहाँ पे कितने, 2000 का रिमाइंडर 0, फिर यहाँ पे बचा 12, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें 12 में लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, तो यहाँ पे पड़ेंगे आपके 3। और जनवरी की जो तिथि दी गई है वो दी गई है यहाँ पे आपको 1, यानी कि 12, 3, 15, 1, 16। तो यहाँ पे जो दिन निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है ट्यूजडे, और हमें दिया गया है कितना, वेंसडे। दिन की अगर हम बात करें 2000 का कोड 0, 12 हो गया, 12 और 3, 15 हो गया, और जनवरी ठीक है 12 वर्षों में आपके लीप ईयर पड़ जाएंगे 3, 4, 3, 12। ठीक, तो दिन यहां पे निकल कर क्या आ रहा है, क्या दिन निकल कर क्या आ रहा है, मंगलवार, और देखने को मिल रहा हमें यहां पे बुधवार। तो इसी प्रकार यहां पे हम एक्चुअल डे अगर निकालें, तो एक्चुअल डे अगर हम निकालें तो 2014, यानी कि 2000 का रिमाइंडर 0, ईयर कंप्लीट कितने हो गए 13,
कंप्लीट हो गए 13, इनमें लीप ईयर की अगर हम बात करें तो पड़ गए कितने 3, और जनवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ले लेते हैं 2। तो इस प्रकार अगर हम बात करें 13, 3, 16 और 2, 18 का मतलब अगर हम बात करें तो कितना निकल करके आ रहा है 4। 18 का मतलब 4, यानी कि थर्सडे निकल करके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जब मंगलवार निकल करके आया तो हमने यहाँ पे बुधवार लिया है, तो इसी प्रकार यहाँ पे जब हमारा थर्सडे निकल करके आ रहा है तो हम क्या ले लेंगे फ्राइडे, एक दिन एक्स्ट्रा। क्लियर, चलिए मूव ऑन करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं चलिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, इफ 19 जुलाई 2000 वाज वेंसडे देन व्हाट वुड बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15th जून 2012। करना क्या है, पहले तो निकाल लेना आपको रेफरेंस वाली डेट पे एक्चुअल डे, ईयर कितने कंप्लीट हुए हैं, तो यहाँ पे आप गलतियां करते हैं। तो ईयर कंप्लीट हुए हैं, सेंचुरी कंप्लीट हुई आपकी कितनी 19 सेंचुरी कंप्लीट हुई है, और 1900 का अगर हम कोड की बात करें तो कितना मिलेगा हमें 1900 का कोड मिल जाएगा हमें 1। उसके बाद ईयर कितने कंप्लीट हुए हैं, तो ईयर कंप्लीट हो गए 99 में पढ़ने वाले अगर हम लीप ईयर्स की बात करें तो कितने पढ़ेंगे 24। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पे हम 2000 पे, और 2000 की अगर हम बात करें तो आपको दिया है जुलाई 19 जुलाई, तो जुलाई की अगर हम कोड की बात करें तो इन जनरल यहाँ पे 6 देखने को मिलता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लीप ईयर की तो हमने कहा +1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोड आपको देखने को मिल जाएगा 0। और अगर हम बात करें यहाँ पे तारीख की तो तारीख है कितनी 19, 98 आपका कैंसिल हो जाएगा 7 से, तो बचेगा कितना 1, 21 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 3, और यहाँ पे 14 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 5। इस प्रकार अगर हम बात करें तो 5, 6, 7 आपका हो गया कैंसिल, बचा 3, यानी कि दिन यहाँ पे बुधवार जो दिया गया है वो एक्चुअल डे दिया गया आपको गिवन डेट का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, पूछा है व्हाट वुड बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15th जून 2012, यानी कि अगर हम बात करें 15th जून 2012 की तो एक्चुअल डेट निकल करके आएगी वही क्या होगा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक्चुअल डेट ही डे ही देखने को मिल रहा है गिवन डेट पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2000 का रिमाइंडर हो जाएगा 0, ईयर कितने कंप्लीट हुए 11, इसमें लीप ईयर कितने पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 2। इसके बाद अगर हम बात करें तो जून, और ईयर है आपका 2012, तो इन जनरल जून का कोड आपको 4 देखने को मिलता है, लेकिन जब ये लीप ईयर है तो यहाँ पे एक ऐड कर लेंगे, यानी कि मिलेगा हमें कितना देखने को 5। और तारीख की अगर हम बात करें तो 15 को काटोगे तो बचेगा 1, 5, 2, 7 हो गया कैंसिल, 11 को काटोगे तो बचेगा 4, 4 और 1, 5। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर से देख लो फटाफट से कैसे करना था। एक्चुअल हमने क्या निकाल लिया, डे निकाल लिया, एक्चुअल डे हमें देखने को मिल गया क्या वेंसडे, एक्चुअल डे हमें देखने को मिल गया वेंसडे। अब वेंसडे मिल गया तो हम क्या करेंगे गिवन डेट पे भी एक्चुअल डे निकाल लेंगे। इसके लिए हमने क्या किया 2000 का रिमाइंडर लिया तो 0, ईयर कंप्लीट हो गए कितने 11, इसमें पढ़ने वाले लीप ईयर्स की हम बात करें तो कितने पढ़ेंगे 2। अब आ जाते हैं हम ईयर 2012 पे, तो जून का कोड की अगर हम बात करें तो मिल जाएगा हमें 5, और दिन हो गए कितने 15, तो 15 को 7 से काटोगे तो 1 बचेगा, 11 को 7 से काटोगे तो 4 बचेगा, 4, 2, 6, 1, 7 हो गया कैंसिल, बचा कितना 5, यानी कि आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं प्रश्न क्या है। यहाँ पे बोला इफ सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज एंड ऑल संडेज आर टेकन एज हॉलीडे, तो मैंने कहा कैलेंडर में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे क्या होते हैं हॉलीडे होते हैं, और सारे के सारे संडे क्या होते हैं हॉलीडे होते हैं। व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज इफ एनी मंथ ऑफ ईयर, यानी कि मिनिमम हम बात करें किसी भी महीने में, क्वेश्चन अच्छा है, किसी भी महीने में मिनिमम जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज होते हैं वो कितने हो सकते हैं वर्ष के किसी भी महीने में। तो सबसे पहले इसको हम लोग एप्लीकेबल करके देखेंगे कहां पे, वर्ष के जो सबसे कम नंबर ऑफ डेज वाला महीना होता है उसके ऊपर। तो वर्ष का जो सबसे कम नंबर ऑफ डेज वाला महीना होता है वो होता है 28, और इसके बाद हम अप्लीकेबल करके देखेंगे 29 वाले पे। ठीक है, एटमोस्ट क्या कंडीशन हो सकती है। तो अगर हमने कहा 28वें वाले की शुरुआत हम अगर किससे कर दें, संडे से कर दें, 1 तारीख को अगर हम कर दें संडे, और 29वें वाले की भी हम 1 तारीख को कर दें क्या संडे। ठीक है, तो 1 को संडे पड़ा, यानी कि अब 7 दिन बाद संडे पड़ेगा,
तो यानी कि 8 तारीख को क्या पड़ेगा, अगेन संडे, 8, 7, 15 अगेन यहाँ पे पड़ेगा संडे, 15 और 7 की बात करें तो 22 को भी पड़ेगा यहाँ पे संडे, ठीक है। और यहाँ पे अगर संडे पड़ा तो यहाँ पे पड़ेगा आपका सैटरडे, यहाँ पे आपका पड़ेगा सैटरडे और यहाँ पे आपका पड़ेगा सैटरडे। यानी कि हम बात करें इस महीने के अंदर, यानी कि 1 तारीख को पड़ेगा संडे, उसके बाद आपका पड़ेगा कब, 4 तारीख को सैटरडे, फिर यहाँ पे आपका पड़ेगा, और इसके बाद एक और सैटरडे जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, 22, 6, 28 यानी 28 तारीख को भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सैटरडे पड़ेगा। तो यानी कि एक ये 28 तारीख वाले सैटरडे को छुट्टी मिल जाएगी और एक ये सेकेंड वाले सैटरडे को आपको क्या मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी, क्लियर। तो 2 सैटरडे की छुट्टी ये हो गई प्लस 4 संडे की छुट्टी हो गई, दिन टोटल कितने थे, 28 दिन टोटल कितने थे, 28। यानी कि यहाँ पे अगर 6 दिन आपकी छुट्टी मिल गई तो 22 क्या हो जाएंगे, वर्किंग डेज हो जाएंगे, क्लियर। अब अगर हम 29 वाले की बात करें, 29 दिनों के महीने की अगर हम बात करें, तो 1 तारीख को संडे पड़ेगा, फिर 8 तारीख को संडे पड़ेगा, फिर 15 को संडे पड़ेगा, फिर आपका 22 को संडे पड़ेगा और 29 तारीख को भी संडे पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आपको 5 संडे की छुट्टी मिल जाएगी और 2 सैटरडे की छुट्टी मिल जाएगी, यानी कि 7 आपको छुट्टी मिल जाएगी। 29 में से 7 आपने निकाल दिया तो बचे दिन कितने, 22। यहाँ पे दिन कितने बचे, 22। तो यहाँ पे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यानी कि सबसे कम जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज हो सकते हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं आपके 22, क्लियर। 22 से कम वर्किंग डेज नहीं हो सकते, चाहे वो 28 दिनों वाले हम फरवरी की बात करें या हम बात करें 29 दिनों वाले फरवरी की। इसके बाद तो हम बात करें तो 30 दिन वाले महीने में आपके 23 वर्किंग डे हो जाएंगे, इस तरीके की अगर कंडीशन पड़ी तो। कंडीशन क्या हमें अप्लाई करके देखनी है कि 5 रविवार पड़ जाए, तो 28 दिनों वाले महीने में तो 5 रविवार पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 22। तो क्वेश्चन काफी अच्छा था, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले दिन मैं क्वेश्चन की बात करूं तो गिवन डेट पर बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17th April 2014। तो निकालना कैसे है, 2000 का रिमाइंडर 0, ईयर कितने कंप्लीट हो गए 13, इसमें लीप ईयर कितने पड़ गए 3। अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल का कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिया गया है 6, और ईयर की अगर हम बात करें तो 2014। दिन कितने हो गए हैं, 17। अब देखो करना क्या है, या 7 से काटते चलना है, तो इसको 7 से काटोगे तो बचेगा 6, इसको 7 से काटोगे तो बचेगा 3, 6, 3, 9, 6, 15 और 3, 18 को आप यहां पे काटोगे तो बचेगा 4, यानी कि आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए, क्लियर। आसानी से विद इन सेकंड आप यहां पे निकाल सकते हैं, कोड याद है तो भी, नहीं याद है तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है कि कैसे आप यहां पे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। टुडे इज थर्सडे, द डे आफ्टर 59 डेज विल बी, तो 56 हो जाएगा आपका डिविजिबल, बचेगा रिमाइंडर आपका 3, प्लस 3 कर देना है, थर्सडे प्लस 3 करोगे तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले दिन प्रश्न की बात करूं तो बोला इफ मे 27 और डेट आप ईयर आपको दिया 2007 इस संडे, तो हम क्या करेंगे यहां पे, हम पहले निकाल लेंगे एक्चुअल डे गिवन डेट पर। तो एक्चुअल डे की अगर हम बात करें तो ईयर कंप्लीट यानी सेंचुरी की बात करें तो 2000 का रिमाइंडर 0, ईयर कितने कंप्लीट हुए हैं 6 सालों में पढ़ने वाले लीप ईयर्स की बात करें तो 1, फिर उसके बाद मई के कोड की अगर हम बात करें तो मई का कोड है आपका 1 और तारीख कितनी है 27, तो 6 और 1 7 हो जाएगा कैंसिल, 24, 21 आपका निकल जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 6 और 1 7, यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हमें देखने को मिल रहा है वही जो कि क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि एक्चुअल डे भी संडे था और क्वेश्चन में भी आपको संडे दिया गया। इट मींस कि जिस तारीख के लिए हमसे पूछा जा रहा है उस तारीख को भी हम क्या करेंगे, एक्चुअल डे निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो फटाफट से देखिए, ईयर है यहाँ पे 2000 से अगर हम बात करें 20 सेंचुरी या ईयर 2000 तक की रिमाइंडर की तो हो जाएगा 0। कंप्लीट कितने हुए, 17 वर्ष कंप्लीट हुए, 17 वर्षों में पढ़ने वाले लीप ईयर्स की हम बात करें तो कितने पढ़ते हैं 4। तारीख दी गई है 25 मई, मई का कोड हो गया 1, यहाँ पे लिख लेंगे 25, 25 की हम बात करें तो 7 से डिवाइड करोगे तो बचेगा यहाँ पे कितना 4,
17 को 7 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 3, 4, 3, 7 कैंसिल आया 5, यानी कि आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। क्लियर, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28th of May 2007 की बात करें अगर हम, तो 2000 का रिमाइंडर हो गया 0, ईयर कितने हो गए कंप्लीट 6, इसमें लीप ईयर कितने पड़ेंगे 1, बात करें मई के कोड की तो हो गया 1, और यहाँ पे तारीख की बात करें तो 28, यानी कि हो जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल। तो 6, 7, 1, 8 आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा यहाँ पे मंडे। क्लियर, आसानी से आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि अभी तक पूछे गए प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, और क्या आपने ये तरीका सीख लिया, क्या आप आसानी से प्रश्न बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। और अगर आपने तरीका सीख लिया, आप प्रश्नों को बना पा रहे हैं, तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमें भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और इसी प्रकार के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड फैक्ट्स के साथ में हम आपके साथ जुड़े रहे। चलिए बात करेंगे यहाँ पे हम अगले प्रश्न की। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6th January 2010, तो ईयर सेंचुरी की बात करें तो कोड हो गया 0, ईयर कंप्लीट कितने हुए 9, इसमें लीप ईयर कितने पड़ गए 2, फिर हम बात करें जनवरी की तो जनवरी का कोड यहां पे 0 ही है, और दिन की बात करें तो यहां पे आपको दिया है 6, तो 9 को अगर हम 7 से काटेंगे तो बचेगा 2, 2 2 4 और 6 10, 10 को काटेंगे तो बचेगा 3, आंसर की हम बात करें तो हो जाएगा वेंसडे। क्लियर, विद इन सेकंड आप चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बोला है विच टू मंथ्स इन अ ईयर हैव सेम कैलेंडर, देखो अलग अलग प्रकार से मैंने कहा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करें अगर हम यहाँ पे गिवन मंथ्स की, तो ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो महीने हैं वो लीप ईयर के हैं या फिर ऑर्डिनरी ईयर के हैं, तो पहले हम ऑर्डिनरी ईयर से यहाँ पे देखेंगे, तो जून का कोड 4 है और अक्टूबर का कोड यहां पे देखने को मिल रहा है 0, यानी कि इन दो महीनों का कैलेंडर सेम नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें अप्रैल और नवंबर की, तो अप्रैल का कोड 6 है और नवंबर का कोड 3 है, यानी इन दो महीनों का कैलेंडर सेम नहीं होगा। अप्रैल और जुलाई की बात करें तो अप्रैल का कोड भी 6 है और जुलाई का कोड भी 6 है, यानी कि इन दोनों महीनों का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। आप किसी भी ईयर का कैलेंडर उठा करके देखिए, ठीक है, किसी भी ईयर का कैलेंडर उठा करके देखिए, तो अप्रैल की 1 तारीख को जो दिन पड़ेगा वही दिन आपको जुलाई की 1 तारीख को देखने को मिलेगा, अप्रैल की 10 तारीख को जो दिन देखने को मिलेगा वही दिन आपको जुलाई की भी 10 तारीख को देखने को मिलेगा। तो इस कोड के वेरियस यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक तो आपके कैलेंडर के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, साथ ही साथ रिपीटेशन ऑफ मंथ्स पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए फटाफट से मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं तो बोला इफ 18th October 2006 वाज वेंसडे, तो फटाफट से क्या करना है, 18th October 2006 को हमें निकाल लेना है एक्चुअल डे। तो यहाँ पे ईयर कंप्लीट कितने 2000 का कोड 0, ईयर कंप्लीट हुए 5, लीप ईयर इसमें पड़ेगा कितना 1। फिर अगर हम बात करें तो तारीख दी गई है यहाँ पे 17, और अक्टूबर की बात करें तो 2000 दिया है, तो ध्यान दो यहाँ पे अगर 0 है तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा प्लस 1, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1, तो 17 की बात करें तो 14 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना 3, तो 5, 2, 7 और 3, यानी कि दिन मिलेगा आपको बुधवार, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, एक्चुअल डे यहाँ पे सेम होगा जो आपको गिवन है। अब दी गई तारीख पे हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल डे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे पूछा है 2000 में इफ 18th October, यहाँ पे मैंने 17 लिख लिया, फिर से देख लो 18th October था, ठीक 18th October 2006, तो यहाँ पे 2000 का कोड 0, ईयर कंप्लीट हो गए 5, इसमें पढ़ेंगे लीप ईयर 1, और यहाँ पे अगर हम बात करें 18 अक्टूबर और अक्टूबर का कोड हो जाएगा यहाँ पे 0, यानी कि 2006 आपका ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पे अक्टूबर का कोड हो जाएगा कितना 0, तो 18 को हम लिखेंगे यहाँ पे 4, 5, 4, 9 और 1, 10, 10 का मतलब यहाँ पे बचेगा आपका 3, यानी कि दिन निकल करके आएगा वेंसडे, ठीक है। अब पूछा है 2000 में, ये 2000 की 17 अक्टूबर को कौन सा दिन था, तो एक्चुअल डे यहाँ पे निकल कर क्या गया, यानी कि यहाँ पे भी हमें एक्चुअल डे निकाल लेना है। तो ईयर अगर हम सेंचुरी की बात करें तो 1900 सेंचुरी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पे ईयर कितने कंप्लीट हो गए हैं 99 में पढ़ने वाले लीप ईयर्स की हम बात करें तो कितने पढ़ेंगे 24। अब हम बात करेंगे ईयर 2000 की, तो ईयर 2000 की जब हम बात करेंगे तो अक्टूबर का कोड यहाँ पे देखने को मिलेगा 1,
तारीख की बात करें तो 17, 99 को 7 से काटोगे तो बचेगा 1, 24 को 7 से काटोगे तो बचेगा 3, 17 को 7 से काटोगे तो बचेगा यहाँ पे 3, यानी कि 3, 3, 6, 1, 7 हो गया कैंसिल, बच गया आपका 2, यानी कि दिन की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। ठीक है, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो सबसे पहले ये जान लो कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है और कैसे इसको निकाल सकते हो। तो शताब्दी का अंतिम दिन देखो यहां से सीख लो, ये जो है मैंने बताया कि एक एक कोड के यहाँ पे मल्टीपल आपको फायदे देखने को मिल रहे हैं। 5 का मतलब फ्राइडे, 3 का मतलब वेंसडे, 1 का मतलब मंडे और 0 का मतलब संडे। ठीक है, तो ये वो दिन है जो शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। ये क्या है, वो दिन है जो शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं और इन्हीं में एक दिन हम जोड़ देंगे यानी कि शताब्दी का प्रथम दिन, तो सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे और मंडे, इन्हीं में एक जोड़ दिए तो वो दिन मिल गए जो शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। आप देखिए यहां पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, तो लास्ट डे ये वाले हो सकते हैं। तो लास्ट डे में क्या आपका मंडे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे यहाँ पे है पहले ही और ये सैटरडे आपका नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी कैन नॉट बी, अगर मान लो बोला होता फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी कैन नॉट बी, तो यहाँ पे सैटरडे हो सकता है। ठीक है, सैटरडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, इसके अलावा जो भी दिन मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन बी द लास्ट डे एज वेल एज फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, यानी कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अंतिम दिन दोनों हो सकता है, तो वो दिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मंडे, यानी कि मंडे आपका लास्ट डे भी हो सकता है और फर्स्ट डे भी हो सकता है। एकमात्र ऐसा दिन है जो कि फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है किसी भी शताब्दी का। क्लियर, तो क्वेश्चन कैसा भी हो अगर आप उस टॉपिक को पढ़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपसे वो प्रश्न जो है ना वो बनने चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं, व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 14th मार्च 2010, 14th मार्च 2010 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2000 का कोड 0, ईयर कंप्लीट हो गए 9, इसमें लीप ईयर कितने आएंगे 2। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मार्च के कोड की, तो मार्च का कोड कितना देखने को मिल रहा है 3, और यहाँ पे अगर हम बात करें तारीख की तो तारीख मिल रहा है हमें 14, यानी कि 14 हो गया कंप्लीटली कैंसिल, 9, 3, 12 और 2, ये भी 14 हो गया कैंसिल, यानी कि यहाँ पे अगर हम दिन की बात करें तो दिन मिलेगा हमें रविवार यानी कि संडे। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। अगले दिन प्रश्न की बात करूं तो बोला है व्हाट इज द ईयर बिफोर 2001, हुज कैलेंडर इज द सेम एज 2001, तो रिपीटेशन ऑफ ईयर पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ध्यान दो, ये 2001 है और यहां पे आपको सीधे सीधे क्या करना है, ऑप्शन पर चले जाना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन दिया है 2004 और यहां पे बोला है बिफोर, तो ऑब्वियस सी बात है एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फिर बोला है 1999 की अगर हम बात करें तो देखो ये भी सीख ही लो, रिपीटिशन ऑफ ईयर, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ ईयर, तो यहां पे हम बात करेंगे लीप ईयर प्लस 1 की, लीप ईयर प्लस 2 की, लीप ईयर प्लस 3 की और बात करेंगे लीप ईयर की। ठीक है, ये कब कब क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो लीप ईयर प्लस 1 जो है वो आपका 6 वर्षों बाद रिपीट करेगा, लीप ईयर प्लस 2 आपका रिपीट करेगा 11 वर्षों बाद, लीप ईयर प्लस 3 आपका रिपीट करेगा 11 वर्षों बाद और लीप ईयर आपका रिपीट करेगा 28 वर्षों के बाद, जब हम रिपीटेशन ऑफ ईयर की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है 2004 एलिमिनेट, 1999 की अगर हम बात करें तो 99 कैलेंडर यहाँ पे 2001 में रिपीट नहीं करेगा, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2011 बाद का ईयर दिया है, 1990 की अगर हम बात करें तो 1990 को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, लीप ईयर प्लस 2, यानी कि 88 आपका लीप ईयर पड़ा, फिर 79 यानी कि 89 और फिर 90 यानी कि लीप ईयर प्लस 2, और लीप ईयर प्लस 2 की अगर हम बात करें तो लीप ईयर प्लस 2 आपका 11 सालों बाद रिपीट करेगा, यानी कि 2001 में क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
90, और काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रिपीटेशन ऑफ ईयर, रिपीटेशन ऑफ मंथ्स, या अलग से जो आपको यहाँ पे मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने एनिवर्सरी या स्पेशल अगर डेट की बात करें, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, तो इस प्रकार के अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप प्रश्न बनाने में असमर्थ रहेंगे, या अगर आप कोशिश भी करते हैं तो कन्फ्यूजन होगा और मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि प्रश्न कैसा भी हो, अगर उस टॉपिक को हमने पढ़ रखा है तो किसी भी प्रकृति का, किसी भी तरीके से पूछा गया क्वेश्चन हो, उस टॉपिक से रिलेटेड हम उसका आंसर आसानी से कर पाए। मूव ऑन करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पर। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, अ गर्ल वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 1970, ठीक है, 1 सितंबर 1970 को क्या है, एक कोई बंदी है उसका जन्म होता है, विच वॉज ट्यूजडे, द नेक्स्ट बर्थडे विल बी ऑन ट्यूजडे इन द ईयर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा है, और अगर हम बात करें 1970 की, तो 1970 क्या है यहाँ पे, लीप ईयर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 68 आपका हो जाएगा, 60 फिर 68, यानी कि लीप ईयर प्लस 2 है। और लीप ईयर प्लस 2 की अगर हम बात करें तो लीप ईयर प्लस 2 कितने वर्षों बाद रिपीट कर रहा था, तो लीप ईयर प्लस 2 आपका रिपीट कर रहा था 11 वर्षों बाद। डेट की अगर हम बात करें तो 28 फरवरी के बाद पड़ने वाले दिनों की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 70 में क्या जोड़ देना है, 11 जोड़ देना है, तो 81 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो इफ द डे आफ्टर टुमारो इज थर्सडे, देन व्हाट डे वाज 2 डेज बिफोर यस्टरडे, यानी कि करना क्या था। इसके लिए मैंने आपको बताया था, इफ द डे 2 डेज आफ्टर टुमारो वाज मंडे, देन व्हाट विल बी द डे 2 डेज आफ्टर, डे आफ्टर, सॉरी, इफ द डे, इफ 2 डेज बिफोर, डे बिफोर यस्टरडे वाज वेंसडे, देन व्हाट विल बी द डे 2 डेज आफ्टर, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको कराया। तो यहां पे आपने देखा कि ये हो जाएगा आपका टुडे, ये हो जाएगा आपका, चलिए ये हो जाएगा आपका टुडे, ये हो जाएगा आपका यस्टरडे, और ये हो जाएगा आपका डे बिफोर यस्टरडे, ये हो जाएगा आपका टुमारो, और ये हो जाएगा आपका डे आफ्टर टुमारो। तो इस प्रकार ये जो पूरी साइकिल है, इस प्रकार ये जो पूरी साइकिल है, ये कितने दिनों की है, ये 5 दिनों की साइकिल यहाँ पे बन रही है, ठीक है, ये 5 दिनों की साइकिल बन रही है। लेकिन जो प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रश्न में हमसे पूछा है इफ द डे आफ्टर टुमारो इज थर्सडे, यानी कि यहाँ पे अगर आपका क्या है, थर्सडे है, देन वॉट डे वॉज इट 2 डेज बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे से 2 डेज बिफोर, यानी कि यहाँ पे 3 दिनों की साइकिल की बात कर रहा है। तो 3 दिन ये हो गए, और 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो 1 और 1 2, तो टोटल 5 दिनों की बात कर रहा है, यानी कि अगर आने वाले ये थर्सडे पड़ रहा है तो इससे हमें क्या कर देना था, माइनस 4 कर देना था, क्योंकि ये 5वां दिन है आपका। तो माइनस 4 करोगे तो यहाँ पे दिन आपको मिल जाएगा देखने को क्या, संडे, यानी कि संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। यहाँ पे अगर आपका थर्सडे है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेंसडे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्यूसडे, यहाँ पे हो जाएगा मंडे, और ये हो जाएगा आपका संडे, क्लियर। तो यानी कि बोल रहा है यदि इफ द डे आफ्टर टुमारो दिया है, सॉरी टुमारो नहीं दिया, यहाँ पे डे आफ्टर टुमारो दिया है, तो इफ द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि एक दिन और जोड़ देना है, यहाँ पे एक दिन और घटा देना है, इफ द डे आफ्टर टुमारो वॉज इस थर्सडे, यानी कि आने वाले परसों की अगर हम बात करें तो क्या है, यदि गुरुवार है तो बोला है बीते हुए कल, 2 डेज बिफोर यस्टरडे, बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आने वाले परसों को, यदि थर्सडे है तो ऑब्वियस सी बात है बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो यानी कि ये टोटल साइकिल हो गई 4 दिन, और 2 दिन और पीछे की हम बात करें तो टोटल साइकिल हो गई 6 दिनों की। 6 दिनों की अगर हम बात करें तो ये 6वां दिन है, ये 6वां दिन है, यानी कि इससे पहले की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वेंसडे, ये हो जाएगा आपका ट्यूजडे, ये हो जाएगा आपका मंडे, ये हो जाएगा आपका संडे, और ये हो जाएगा आपका सैटरडे, क्लियर। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सैटरडे, क्योंकि यहाँ पे डे आफ्टर टुमारो दिया गया था, ठीक है, जिसको मैंने गलती से टुमारो कंसीडर कर लिया था पिछली बार। चलिए बात करेंगे फटाफट से यहाँ पे अगले प्रश्न की। चलिए अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो बोला है
इन हाउ मेनी वेज, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, इन हाउ मेनी वेज अ लीप ईयर कैन हैव 53 फ्राइडेज। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस प्रश्न को बनाने से रहे, समझिए बात को। कितने प्रकार से किसी वर्ष में 53 फ्राइडे हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जब हम बात करते हैं किसी भी वर्ष की, तो यहाँ पे हमें पता है वर्ष में दिनों की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, 365 या फिर 366। अब जब हम 365 की बात करते हैं, ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं, तो इसको जब हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 52 कंप्लीट टाइम्स, ये क्या होता है, 7 से डिविजिबल हो जाता है। तो 52 टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि 52 जो वीक की साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हफ्ते के सारे दिन कितनी बार आ गए हैं, 52 टाइम्स आ गए हैं। वीक के सभी दिन कितनी बार आ गए हैं, 52 बार आ गए हैं। और एक ऐसा दिन है जो कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा, और वो दिन कौन सा होगा, जिस दिन से वर्ष की शुरुआत हुई होगी। क्लियर, जिस दिन से वर्ष की शुरुआत हुई होगी वही दिन क्या हो सकता है आपका, 53 टाइम्स आ सकता है। यानी कि 365 दिनों के वर्ष की जब हम बात करते हैं, तो यदि 1 जनवरी को फ्राइडे पड़ा, तो 31 दिसंबर को भी क्या पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा। इट मींस यहां पे जो फ्राइडे है वो कितनी बार आ जाएगा, 53 बार आएगा। एक तो तरीका ये हो गया। अब हम आ जाते हैं 366 दिनों के वर्ष पर। 366 दिनों के वर्ष की हम बात करेंगे जब यहाँ पे, तो 1 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो दिन आपका 30 दिसंबर को पड़ेगा। क्लियर, यानी कि 1 तारीख को अगर फ्राइडे पड़ा तो 30 दिसंबर को आपको 53वां फ्राइडे देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आपका 2 तारीख को फ्राइडे पड़ा तो 31 दिसंबर को आपका 53वां फ्राइडे देखने को मिलेगा। और अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न बोला है लीप ईयर, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज अ लीप ईयर कैन हैव, एक अधिवर्ष में कितने तरीके से 53 शुक्रवार पड़ सकते हैं। तो इसकी दो ही कंडीशन है, या तो 1 तारीख को शुक्रवार से शुरुआत हो उस अधिवर्ष या लीप वर्ष की, या फिर 2 तारीख को क्या पड़े, फ्राइडे पड़े, यानी कि शुरुआत हो उसकी थर्सडे से। इसके अलावा यहाँ पे कोई और तरीका नहीं हो सकता जिससे आपके वर्ष में क्या हो, 53 बार शुक्रवार देखने को मिले। क्लियर, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो बोला है इफ द सेकेंड डे ऑफ द मंथ इज अ फ्राइडे, यानी कि किसी भी महीने का अगर दूसरा दिन क्या है, शुक्रवार है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच हैज 31 डेज। समझिए बात को, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि अगर हम बात करें इफ द सेकेंड डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, यानी कि अगर 2 तारीख को फ्राइडे है, तो अगले महीने के यहाँ पे पूछा है लास्ट डे को कौन सा दिन होगा जिसमें 31 दिन है। तो अगला महीना जो है 31 दिनों का हो, उसके पहले वाले महीने की हम बात करें तो कितने तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फरवरी की, फरवरी के बाद आता है मार्च, ठीक है, तो अगर हम बात करें 2 फरवरी को यदि क्या है, फ्राइडे है, तो 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो एक अलग आंसर आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, ये 28 दिनों वाली फरवरी की हम बात करें, ठीक है, 28 दिनों वाली फरवरी की। इसी प्रकार अगर हम 29 दिनों वाली फरवरी की बात करें, यानी कि लीप ईयर की बात करें, तो 29 दिनों वाली जब हम फरवरी की बात करें, अगर 2 फरवरी को बोल रहा है यहाँ पे फ्राइडे है, तो 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे आपको अलग आंसर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको अलग आंसर देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे जुलाई, 2 जुलाई को अगर हम बात करें कोई एक दिन है, तो यहाँ पे 31 अगस्त, क्योंकि ये भी 31 दिनों का महीना है, 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे भी आपको अलग आंसर देखने को मिलेगा। या इसके अलावा कोई भी हम ऐसे महीने की बात करें जिनमें 30 दिन होते हैं, 30 दिनों के किसी भी महीने की हम बात करें जिसके बाद पड़ने वाले महीने में 31 दिन होंगे, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो आपको अलग आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको अलग आंसर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे एक अलग आंसर हो गया, यहाँ पे एक अलग कंडीशन बन गई, यहाँ पे अलग कंडीशन बन गई, और यहाँ पे अलग कंडीशन बन गई। 4 अलग अलग आपको आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। इट मींस डेटा इनएडिक्वेट, हम बता ही नहीं सकते यहाँ पे कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को यहाँ पे दिन कौन सा है, फ्राइडे है, तो अगला जो 31 दिनों का महीना पड़ेगा उसका लास्ट डे क्या होगा, हम नहीं बता सकते, जबकि जब तक कि हमें स्पेसिफिक मंथ यहाँ पे क्लियर करके ना बता दिया जाए। यानी कि आंकड़े यहाँ पे पर्याप्त नहीं है इस प्रश्न का उत्तर दे पाने के लिए। क्लियर, चलिए मूव ऑन कर लेते हैं हम यहाँ पे अगले प्रश्न पर।
तो देखा आपने कि कैलेंडर में कितने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। क्लियर। चलिए चलिए अगले दिन प्रश्न की बात करूं तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे बोला है ऑन व्हाट डेट इन अप्रैल 2001 डिड वेंसडे फॉल। तो हमें क्या करना है यहाँ पे 2000 की अगर हम बात करें तो सेंचुरी भी कंप्लीट और ईयर भी कंप्लीट, तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। अब हम आते हैं सीधे सीधे वर्ष 2001 पर और वर्ष 2001 की अगर हम बात करें तो अप्रैल के लिए जो कोड मिल रहा है वो मिल रहा है कितना 6। और हम क्या करते थे मंथ का कोड लेते थे और उसके बाद प्लस उस महीने में पड़ने वाले दिन। तो यानी कि जैसे ही हम एक तारीख की बात करेंगे तो मंथ का कोड हो गया, एक तारीख की बात करें मतलब एक दिन तो 6 और एक हो गया 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिन पड़ गया संडे, फिर 2 तारीख को पड़ गया मंडे, 3 तारीख को पड़ गया ट्यूसडे और 4 तारीख को पड़ जाएगा यहाँ पे वेंसडे। यानी कि 4 को पड़ा अगर वेंसडे तो प्लस 7 यानी कि 11 को वेंसडे, प्लस 7 यानी कि 18 को वेंसडे, प्लस 7 यानी कि 25 को वेंसडे। क्लियर। तो गिवन डेट्स पर डे निकालने के तरह ही इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से हल कर सकते थे। क्लियर। चलिए फटाफट से मोहन करते हैं यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न पर। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं, पूछा है इफ ट्यूजडे फॉल्स ऑन द 4th ऑफ अ मंथ देन विच डे विल फॉल 3 डेज आफ्टर 24th ऑफ द सेम मंथ। यानी कि 24th के बाद अगर हम बात करें 3 दिनों की तो सीधे सीधे ये बात कर रहा है 27 तारीख की। तो यानी कि अगर 4 तारीख को किसी महीने में क्या है फॉल ट्यूजडे, यानी कि 4 तारीख को अगर क्या है ट्यूजडे, तो 4 को ट्यूजडे पड़ा प्लस 7 यानी कि 11 को ट्यूजडे पड़ेगा, प्लस 7 यानी कि 18 को ट्यूजडे पड़ेगा, प्लस 7 यानी कि 25 को ट्यूजडे पड़ेगा, 26 को पड़ जाएगा वेंसडे, 27 को पड़ जाएगा थर्सडे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी सॉल्व किया। ठीक है, चलिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे बोला जा रहा है 5th January 2012 वॉज मंडे देन विच वॉज द डे ऑन 31st March 2013। तो करना क्या हमें यहाँ पे 5 January 2012 का दिन निकाल लेना एक्चुअल डे। तो 2000 तक का रिमाइंडर जीरो, ईयर कंप्लीट हो गया कितने 11, लीप ईयर कितने पड़ेंगे 2, जनवरी की अगर हम बात करें तो कोड जीरो है, सीधे सीधे 5 दिनों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम बात करें बोला है मंडे, तो 11, 2, 13, 5, 18, तो दिन हमें देखने को मिल रहा है क्या थर्सडे, दिन हमें देखने को मिल रहा है थर्सडे, जबकि यहाँ बोला जा रहा है मंडे, दिन हमें देखने को मिला थर्सडे, यहाँ बोला जा रहा मंडे, इट मीन थर्सडे से जब हम मंडे की बात करेंगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे प्लस हमें क्या करना है 4 करना है। क्लियर, या -3 भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 5 January 2012 को एक्चुअल डे हमें देखने को मिला थर्सडे, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है मंडे, इट मीन हम क्या करेंगे प्लस 4 यहाँ पे करें, तो एक्चुअल डे यहाँ पे निकाल लेंगे उसमें भी प्लस 4 कर लेंगे। बोला क्या जा रहा है विच वॉज द डे ऑन 31st March 2013, तो 2000 का रिमाइंडर जीरो, ईयर कंप्लीट हो गए 12, इसमें पड़ गए 3 लीप ईयर, और मार्च के कोड की अगर हम बात करें तो 3 और दिन यहाँ पे बोला 31, यानी 31 को जब आप क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे दिन बच जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार 12 को हम लिख सकते हैं 5, 5 3 8 मतलब 1, 3 3 6 1 7 मतलब संडे, और हमने यहाँ पे क्या किया था प्लस 4 किया था, एक्चुअल डे निकल कर क्या है संडे, हमने यहाँ पे क्या किया था प्लस 4। ठीक, हमने यहाँ पे किया था प्लस 4, तो यहाँ पे एक्चुअल डे निकल करके यदि हमारा आ रहा है संडे प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, यानी कि आंसर निकल करके आ रहा है क्या थर्सडे, आंसर क्या निकल करके आ रहा है थर्सडे। मूव ऑन करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पर। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला जा रहा है 5th day ऑफ अ मंथ इज ट्यूजडे, व्हाट डेट विल बी 3 डेज आफ्टर 3rd फ्राइडे इन द मंथ। ठीक है, यानी कि 5 तारीख को यदि क्या है मंगलवार है, 5 तारीख को यदि मंगलवार है तो 3rd फ्राइडे की हम बात करेंगे। देखो 5 को यदि क्या है ट्यूजडे है, 5 तारीख को ट्यूजडे है मतलब 4 को क्या रहा होगा मंडे, 3 को क्या रहा होगा संडे, 2 तारीख को क्या रहा होगा सैटरडे, और 1 तारीख को क्या रहा होगा फ्राइडे। ठीक है, 1 को फ्राइडे पड़ा फिर 8 को फ्राइडे पड़ेगा, 8 के बाद अगर हम बात करें तो 15 को फ्राइडे पड़ेगा, और 15 को फ्राइडे पड़ा यानी कि क्या हो जाएगा 3rd फ्राइडे हो जाएगा, और यहाँ पे बोला 3 डेज आफ्टर, तो 15 3 की हम बात करें तो हो जाएगा 18, यानी कि 3 डेज आफ्टर 3rd फ्राइडे, तीसरे फ्राइडे के 3 दिन बाद, यानी कि 16 17 18, कौन सा तारीख होगी तो 18 तारीख देखने को मिलेगी। क्लियर, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2000
18 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑल सैटरडे एंड संडे आर हॉलीडेज इन अ मंथ, इफ द मंथ इज जनवरी देन हाउ मेनी टोटल हॉलीडेज आर देयर इन दैट मंथ। हमें पता ही नहीं है यहाँ पे किस ईयर की बात करी जा रही है या जनवरी के पहले तारीख को कौन सा दिन था, हमें ये पता ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे पूर्ण रूप से हमें जानकारी नहीं दी गई है जिससे हम ये पता लगा सकें कि किन किन तारीख पे संडे या सैटरडे पड़ा है जनवरी की। ठीक है, एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, इज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन लीप ईयर वाज मंडे, देन व्हिच वाज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी ईयर में पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। यानी कि फर्स्ट डे अगर यहाँ पे आपको मंडे देखने को मिल रहा है, इट मीन्स लास्ट डे भी आपको मंडे देखने को मिलेगा। मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। इफ अ मंथ इन अ ईयर स्टार्ट्स विद मंडे, ठीक है, कोई एक महीना है किसी एक वर्ष की हम बात करी जा रहे हैं, स्टार्ट होता है किससे, मंडे से, देन द डेट ऑफ द फोर्थ डे आफ्टर द सेकेंड सैटरडे। यानी कि अगर हम बात करें महीने की शुरुआत हो रही है मंडे से, इट मींस सेकेंड सैटरडे। तो पहले तो यहाँ पे हो गई मंडे एक तारीख को, तो अगला मंडे पड़ेगा आपका 8 तारीख को, यानी कि एक सैटरडे यहाँ आ चुका है। 8 के बाद 15 को पड़ेगा आपका दूसरा मंडे, यानी कि एक सैटरडे यहाँ भी आ चुका है। तो बोला 4 days after the second Saturday, तो second Saturday यानी कि 15 को मंडे है, तो 14 और 13 को क्या पड़ा होगा, सैटरडे पड़ा होगा, तो यानी कि हो गया आपका सेकेंड सैटरडे। और सेकेंड सैटरडे के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आफ्टर फोर्थ डे, यानी कि 13 के बाद अगर हम बात करें तो 14, 15, 16, 17, यानी कि यहाँ पे बात करी जा रही है किसकी, 17th तारीख यानी 17 तारीख की बात की जा रही है। क्लियर। हरियाणा पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंडेज आर देयर इन अ पर्टिकुलर मंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, इफ द मंथ एंड्स ऑन वेंसडे, यदि मंथ जो है वो आपका वेंसडे पे समाप्त हो रहा है तो यहाँ पे कितने सोमवार पड़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कैनॉट बी डिटरमाइंड। क्यों हो जाएगा कैनॉट बी डिटरमाइंड, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वेंसडे पे आपका वीक खत्म हो रहा है यानी कि एंड हो रहा है। तो अगर 28 दिनों वाले महीने की बात करें, अगर 29 दिनों वाले महीने की बात करें, अगर 30 दिनों वाले महीने की बात करें और 31 दिनों वाले महीने की बात करें, तो ठीक है समझिए, 28 दिनों वाला महीना यदि आपका बुधवार पे समाप्त हो रहा है, यानी कि इस महीने की शुरुआत कहां से हुई होगी, थर्सडे से हुई होगी। 29 दिनों वाला महीना अगर बुधवार पे समाप्त हो रहा है, इसकी शुरुआत हुई होगी बुधवार पे। अगर हम बात करें 30 दिनों वाला महीना आपका बुधवार पे समाप्त हो रहा है, यानी कि इसकी शुरुआत हुई होगी ट्यूजडे से। और 31 दिनों वाला महीना अगर आपका बुधवार पे समाप्त हो रहा है, तो इसकी शुरुआत हुई जाएगी किससे, मंडे से। अब समझिए कैसे, मैंने कहा अगर इसकी 1 तारीख को पड़ा, क्या 1 तारीख को पड़ेगा 8 तारीख, 8 के बाद अगर हम बात करें तो 15, 15 के बाद अगर हम बात करें तो 8, 7, 15, 7, 22, 7, 29, ठीक है। देखो 1 को पड़ा अगर बुध गुरुवार, तो 8 को पड़ेगा गुरुवार, फिर 15 को पड़ेगा गुरुवार, फिर 22 को पड़ेगा गुरुवार और 29 को पड़ेगा गुरुवार, यानी कि 28 को आपको वेंसडे देखने को मिलेगा जब 28 दिनों का महीना है, तो 29 यहाँ पे आ ही नहीं रही है। यहाँ पे भी इसी प्रकार अगर हम बात करें, 1 तारीख को पड़ा बुधवार, तो 8 तारीख को पड़ेगा बुधवार, फिर 15 को पड़ेगा बुधवार, फिर 22 को पड़ेगा बुधवार और 29 को पड़ेगा आपका बुधवार, ठीक है, 29 को पड़ेगा बुधवार। यहाँ पे बात करें 1 तारीख को पड़ेगा मंगलवार, 8 तारीख को पड़ेगा मंगलवार, 15 तारीख को पड़ेगा मंगलवार, फिर 22 को पड़ेगा मंगलवार, फिर 29 को पड़ेगा मंगलवार, यानी कि 30 को ये बुधवार पे महीना क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। 1 तारीख को सोमवार, 8 तारीख को सोमवार, 15 तारीख को सोमवार, 22 तारीख को सोमवार, 29 तारीख को सोमवार, यानी कि 30 को मंगलवार और 31 को बुधवार, ये महीना भी आपका बुध पे खत्म हो रहा है। अब देखिए पूछा है कितने मंडे आएंगे, तो ये सारे के सारे जो महीने मैंने लिखे हैं जिनमें जिनमें दिन हो सकते हैं वो सभी बुधवार पे खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कितने सोमवार आएंगे, तो यहाँ पे आ गए आपके कितने, 4 सोमवार। यहाँ पे अगर हम बात करें कितने सोमवार आए, तो शुरुआत इसकी वेंसडे से हुई है, यानी कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है 4 सोमवार, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कितना, 4 सोमवार, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है कितना, 5 सोमवार, ठीक है। तो इस प्रकार हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई एक महीना जो कि बुधवार पे खत्म हो रहा है उस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे। 4 में तो आपके 4 सोमवार पड़े 4 कंडीशन पे, लेकिन यही की जगह अगर क्वेश्चन में दे देता थर्सडे,
अगर महीना आपका थर्सडे पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और उसके बाद पूछा होता कितने सोमवार पड़ेंगे, तो अब इसी बात यहाँ पे आप आंसर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन चूंकि महीना आपका खत्म हो रहा है बुधवार पे, तो यहाँ पे आप आंसर नहीं कर सकते। ये भी काफी आपका अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की यदि बात करें तो बोला है 2/4/2021 इस फ्राइडे, यानी कि 2021 की हम बात करें तो 2/4/2021 को बोला जा रहा है अगर क्या है, फ्राइडे देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेकेंड डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, 22nd डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। चलिए यानी कि 2 अप्रैल 2021 की बात की जा रही है, ठीक है, 2 अप्रैल 2021 की बात करी जा रही है, और यहां पे दिन कौन सा है, तो दिन है आपका फ्राइडे, और बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 22nd डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अप्रैल में बचे हुए दिनों की संख्या की हम बात करें तो अप्रैल में एक तो दिन ये खुद हो गया, और दिन कितने बच गए अप्रैल में, 28। फिर मई के 22 दिन हो गए, ठीक है। टोटल दिनों की अगर हम बात करें तो यहां पे दिन आपको दिया गया था क्या, फ्राइडे, ये दिन दिया गया था आपको फ्राइडे, शुक्रवार। 28 कैंसिल हो जाएगा 7 से, 22 की बात करें तो बचेगा एक, फ्राइडे प्लस 1 करोगे तो मिलेगा आपको यहाँ पे सैटरडे, यानी कि आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करना क्या था, जितने दिन यहाँ पे बच गए और अगले महीने के दिनों की संख्या को लिख लिए, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, एक, तो फ्राइडे के बाद एक जोड़ दोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको सैटरडे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पर। अगले दिन मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला जा रहा है इफ द 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 डेज बिफोर फ्राइडे, यानी कि किसी महीने की 7 तारीख जो है वो क्या है, फ्राइडे से 3 दिन पहले का दिन है। तो फ्राइडे से 3 दिन पहले के अगर हम दिन की बात करें तो दिन देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे क्या, ट्यूजडे, यानी कि 7 तारीख को अगर ट्यूजडे है तो 14 तारीख को भी ट्यूजडे होगा, 21 तारीख को भी ट्यूजडे होगा, और हमसे पूछा जा रहा है देन विच डे विल बी द 19th डे ऑफ द मंथ, यानी कि उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अगर हम 19 तारीख के दिन की बात करें तो 21 को पड़ रहा है ट्यूजडे, तो 20 को पड़ेगा मंडे, यानी 19 को पड़ जाएगा संडे, आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। तो अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आप में से सभी को कमेंट करके बताना है कि पूछे गए प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको मैंने कोड बताया, उस कोड को याद करके आप किसी भी गिवन डेट पर डे निकाल सकते हैं, जिस तरीके को मैंने बताया, जैसे कि मंथ के कोड के साथ में आप रिपीटिशन ऑफ मंथ पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सेंचुरी के कोड के साथ में आप लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार रिपीटिशन ऑफ ईयर पर बेस्ड भी मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चंस को आपको कैसे हल करना है। तो इसी प्रकार के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।